लगभग 13 घंटे 24 मिनटों का सफर रहने वाला है। स्टार्ट होती है पोरबंदर से, स्टार्ट होती है और ये एंड होती है मुजफ्फरपुर पे, और हम लोग जा रहे हैं अजमेर से बरेली। वेटिंग लिस्ट में था हमारी सीट और कंफर्म होने के बाद वो सीट बदल जाती थी। यहाँ पे मोबाइल स्नैचर्स का बहुत टेंशन रहता है, तो हमने टीसी को रिक्वेस्ट किया कि यार प्लीज़ आप मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये फुलेरा जंक्शन है, जो विंडो को तोड़ना पड़ता है इमरजेंसी के अंदर, वो हैमर ही नहीं है। 30 रुपये का केक 30 का दे दो, फिर आपके 50 पूरे हो जाएंगे। तो इस मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन में तो आप बिल्कुल भी कतई ट्रैवल ना करें। हालत देखो यार, क्या इतना गंदा, इतना कचरा हो रखा है। 45 मिनट्स का डिले चल रहा है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे पापा के वीडियो देखना, लाइक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक नए ब्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी इस वक्त मैं अजमेर जंक्शन, अजमेर शरीफ का जो रेलवे स्टेशन है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ इस वक्त। और अभी मेरा जो ट्रैवल रहने वाला, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं यहाँ से अजमेर से लेके बरेली का सफ़र करने वाला हूँ। लगभग 13 घंटे 24 मिनटों का सफ़र रहने वाला है, और ये ट्रेन आ चुकी है हमारी इंडियन रेलवेज की, भारतीय रेलवे की। और अभी सफ़र जो है हमारा मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस में रहने वाला है। ट्रेन का नाम है मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर हम लोग खड़े अजमेर शरीफ के, और यहाँ से अभी हम लोग इंशाल्लाह अभी निकलेंगे। तो ये वही ट्रेन है मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, पोरबंदर से लेके स्टार्ट होती है, पोरबंदर से स्टार्ट होती है और ये एंड होती है मुजफ्फरपुर पे, और हम लोग जा रहे हैं अजमेर से बरेली। इंशाल्लाह अभी कैसा क्या रहने वाला है सफ़र का, तमाम तफसील से आप लोग को बताऊंगा। मकसद यही है आप लोग को जब भी मैं ट्रेन ब्लॉग बताता हूँ, ताकि तमाम जितने भी ज़ायरीन अजमेर शरीफ आते हैं, जो ज़ियारत के लिए आते हैं दरबार गरीब नवाज़ में और बाकी कामों के लिए जो लोग आते हैं, उन लोग को एक थोड़ा सा एक गाइडेंस मिल जाती कि कैसा रहता है ट्रेन ये वाला, कैसा रहता है सफ़र। तमाम चीज़ें तफसील से इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करेंगे, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बरेली के अंदर हमारे और क्या क्या प्रोग्राम्स रहने वाले, कहाँ कहाँ हम जाने वाले, क्या क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह तफसील से आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। बने रहे आप लोग। अगर आप लोगों ने चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है, ये मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस। आप लोग यहाँ पे, मैं आप लोग को पढ़ा दूँ, यहाँ पे लिखा है, और ये AC 3 टायर ट्रेन है। तो ये रही मेरे प्यारे भाई और बहनों हमारी ट्रेन, पोरबंदर से मुजफ्फरपुर के लिए चलती है ये, और ये ट्रेन जो है चलती है 11:55 को, और ये अजमेर जंक्शन पे अभी हम लोग इस वक्त यहाँ पर हैं। और फैमिली थी इसलिए हम लोग अंदर, मैंने बैग वैग सब रख दिए, बैग रख के मेरे वाला, चलो इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अब आपको पता ही है, अब अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, बैग्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो थोड़ी एक मशक्क़त, एक तक परेशानी रहती कि आपको ब्लॉग भी बनाना है, साथ के साथ आपको बैग्स भी रखने हैं, बच्चों को रखना है, सब कुछ देखना है। तो सब देखते हुए करते हुए इंशाल्लाह मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊँ कि कैसा रहता है यहाँ से अजमेर से लेके अगर आप बरेली के लिए जाते हैं, और तमाम सफ़र की तफसील से तफसीलात इंशाल्लाह आप सबके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ कोशिश करेंगे। ट्रेन का कैसा स्टेटस है, ट्रेन की सीट्स कैसी है, और फर्स्ट इंप्रेशन तो मैं आप लोग को सच बताऊँ तो बहुत ही नॉर्मल एक ट्रेन लग रही है ये। वैसे जो मैं ज़्यादा ट्रेन ट्रैवल किया नहीं हूँ लाइफ में, बट जो भी है, मतलब ये ट्रेन को देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी एक पुरानी ट्रेन है, और मिनिमम कुछ 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल पुरानी ट्रेन। ये फर्स्ट इंप्रेशन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पेंट भी बराबर नहीं हुआ है, पूरा ऐसे लेपा पोती हुई है, और बस ट्रेन के नाम पे ऐसा लग रहा है ये बस ट्रेन चल रही है। खैर, अभी तो यहाँ पे अजमेर रेलवे स्टेशन का ऐसा कुछ मंजर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे स्टॉल्स जो है मिल जाते हैं, समोसा, चाय, कॉफ़ी। यहाँ पे जन आधार रेलवे स्टेशन के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट टाइप में, वहाँ पे 50 रुपये में छोले भटूरे, ब्रेड ऑमलेट 45 रुपये, और XYZ चिकन बिरयानी 100 रुपीज़, इडली सांभर 35 रुपये, और यहाँ से एग्ज़िट का। और ये हमारा नसीब अच्छा था कि यहाँ पे एक नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हमें ट्रेन मिल गई, नहीं तो बहुत ज़्यादा हमें घूम घाम के जाना पड़ता है, अगर आगे जाना होता है नंबर 2, 3, 4 प्लेटफॉर्म के लिए जाना हो तो। A few moments later. तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी के लिए तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और लास्ट मिनट थोड़ा सा कुछ सीट का कुछ इश्यू हो गया था। वेटिंग लिस्ट में था हमारी सीट, और कंफर्म होने के बाद वो सीट बदल जाती, तो हमें पता नहीं था, मुझे नहीं पता था, और वो बोल रहे थे कि मैसेज आ जाता है,
मैसेज तो आया नहीं मेरे पास। खैर लास्ट मिनट पे फटफट हम लोगों ने सीट चेंज कर लिया, अभी के लिए तो यहाँ से रवाना हो चुके हैं अजमेर से। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे अजमेर में वापस लौट के, और अजमेर का रेलवे स्टेशन का आप लोग मंजर देख सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल स्नैचर्स का बहुत टेंशन रहता है, मैंने बहुत सुना है। और एक बार मेरे साथ मेरे एक को ट्रैवलर के साथ एक बार हुआ था कि चलती हुई ट्रेन हल्की भी धीरे से मैं एक मोबाइल स्नैचर ने फ़ोन खींचते हुए चला गया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे ध्यान दे रहा हूँ कि ऐसा भी आ जाए भाई फ़ोन खींचते हुए चले जाए, फिर ब्लॉग को भी कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा मैं। ये देखो भाई यहाँ से अभी के लिए तो निकल चुके हैं अजमेर जंक्शन, और आगे का कैसा मंजर रहने वाला मेरे प्यारे भाई और बहनों तफसील से इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहे आप लोग ब्लॉग को, आप लोग आखिरी तक देखें, बिना स्किप करे देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों अभी हम लोग सीट पे आ चुके हैं, और सीट की कंडीशन तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी मैं आप लोग को सच बताऊं। और दूसरी बात, बैग को रखने के लिए जगह भी बहुत कम है यहाँ पे, और ओवरऑल मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है मैं अगर आप लोग को बताऊं, बिल्कुल ही बैड और बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा। और उम्मीद करूँगा कि आने वाले दिनों में ये ट्रेन तो कभी मैं लूँगा नहीं, और डिटेल से इंशाल्लाह आप लोग को अभी और बताते रहेंगे। और एक और चीज़ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हमारी सीट जो है एक ही बोगी के अंदर अलग अलग थी आगे पीछे, तो हमने टीसी को रिक्वेस्ट किया कि यार प्लीज़ आप थोड़ा सा दूसरे पैसेंजर को आप रिक्वेस्ट करके आप बोलो, तो उसने डायरेक्ट ही मना कर दिया, बोला नहीं मैं तो नहीं बोलूँगा, आप अपनी तरफ से आप अपने तौर से बोल दें। तो थोड़ा सा मुझे अनफ्रेंडली लगा, थोड़ा सा जो हेल्पिंग नेचर होना चाहिए टीसी का वो नहीं लगा। मैंने उसको बोला हम फैमिली के साथ है, बच्चों के साथ है, तो बोला आप अपने तरीके से बात कर लो। और मैंने पैसेंजर को भी रिक्वेस्ट किया, तो पैसेंजर जो है उसने भी मना कर दिया कि मैं अपनी सीट चेंज नहीं करूँगा। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे। और ओवरऑल जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया, एक्सपीरियंस स्टार्टिंग का ही मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और मैंने यहाँ के जो स्टाफ है जो काम करते हैं, जो कंबल और ये सब देते हैं, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला ये जो ट्रेन है आने वाले 2 महीने में ये ट्रेन भी बंद हो जाएगी, और 2 मंथ्स के अंदर ये ट्रेन जो है बदली जाएगी पूरी नई LHB की ट्रेन से। अब LHB क्या होता है, उसने मुझे बोला कि LHB की ट्रेन आएंगी, नई कोचेज आएंगे, तो मैं भी शायद ये रूट के ऊपर फिर मैं शायद सोचूं वापस ट्रैवल करने के लिए। बट अगर ऐसी ट्रेन रही तो मैं डेफिनेटली वापस ट्रैवल नहीं करने वाला इस बोगी के अंदर, ऐसी बोगियों के अंदर। वेरी बैड एक्सपीरियंस, एंड आई होप दैट इंडियन रेलवे शुड चेंज द बोगीज एज सून एज पॉसिबल। फॉर नाउ अभी के लिए मैं आप लोग को बस आगे का और कैसा सफ़र रहने वाला, बहुत लंबा सफ़र है, ऑलमोस्ट 13 घंटे 24 मिनट का सफ़र है। रात को 1:30 बजे पहुँचेंगे, और आने वाले दिनों में बरेली में और हमारा क्या क्या रहने वाला है, कैसे कैसे और तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग को तफसील से बताते रहेंगे। बने रहे आप लोग ब्लॉग को, आप लोग काफ़ी लग देंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सफ़र की दुआ के साथ शुरुआत करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान लजी सखर लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक की जो हमारा सफ़र है साथ खैरियत के साथ गुजरे, अच्छे से गुजरे, खुशी के साथ गुजरे। और वैसे तो मैंने आप लोग बताने ही वाला हूँ कि कैसा क्या रिव्यू रहने वाला है इस ट्रेन का, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ही अच्छा सफ़र रहने वाला है। इन बोगियों के अंदर पुरानी बोगियाँ हैं,
अल्लाह बेहतर जाने कौन से ज़माने से अभी तक के भी ज़्यादा नॉलेज रखता नहीं हूँ। आप लोग अगर ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, मुझे बताएं कि क्या रिलेशन है इंडिया के साथ इन बोगियों का, कितनी पुरानी बोगियाँ हैं ये, तो आप बताएं तो बाकी लोग जो है कमेंट्स पढ़ेंगे उनको भी पता चलेगा इसके बारे में। और अभी जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये फुलेरा जंक्शन पे यहाँ पे रुकी है ट्रेन, काफ़ी खाली खाली ये स्टेशन लग रहा है अभी। और अभी के लिए तो ट्रेन जो है ऑन टाइम चल रही है, तो रात के 1:30 बजे तक का बहुत लंबा एक सफ़र रहने वाला है। तो मुख्तसर में जो जो भी होता रहेगा इस सफ़र के अंदर वो आप लोग के साथ सबके साथ शेयर करते रहेंगे। थोड़े अंदर सीट्स की रिव्यू भी आप लोग के साथ सबके साथ शेयर करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी के लिए तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और एंटर होते ही मैं आप लोगों को बस एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि कितनी पुरानी ये ट्रेन है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो हैमर रहता है जो विंडो को तोड़ना पड़ता है इमरजेंसी के अंदर, वो हैमर ही नहीं है देखो भाई। तो भाई साहब अगर इमरजेंसी में अगर कुछ हो गया खुदा ना खास्ता तो क्या करोगे भाई, तो अल्लाह मालिक है। मैं तो बोलता भाई ऊपर वाले के भरोसे चल रही है ट्रेन ये वाली। और ये आप लोग देखो भाई, बहुत ही पुरानी बहुत कदीमी ये ट्रेन जो है यहाँ पर चल रही है। और ये देखो भाई बाहर का मंजर आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ से स्टेशन से हम लोग निकल चुके हैं। और ये सामने जो है ये फुलेरा जंक्शन, राजस्थान में ही आता है ये वाली। हेलो प्यारे भाइयों, कैसे आप? लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे पापा की वीडियो देखना, लाइक करना। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पकोड़े जो है हमने अभी यहाँ से ऑर्डर किए लेके आए, और अभी ट्रेन भी चलने लग गई, इवनिंग टाइम है और चाय स्नैक्स हो रहा है अभी ट्रेन के अंदर। अच्छा यही मज़े हैं यार ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो पकोड़े खाओ, चाय पियो, अलग अलग चीज़ें इंजॉय करो ऑन द वे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम लोग दिल्ली के सराय रोहिला का जो प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे पहुँच चुके, और इसके बाद डायरेक्ट ये बरेली के लिए अब रुकेगी, डायरेक्ट बरेली में रुकेगी। तो अभी बस थोड़ा सा कुछ पानी वानी ले लेते हैं, और चाय तो मैं बोलूँ मज़ा ही नहीं आया, एकदम इतनी गंदी चाय मिली है ना पूरे रास्ते में भाई। पानी देना, पानी यहाँ से देखो आप, पानी वानी बिस्किट विस्किट कुछ भी लेना चाहो ले सकते हो, एक पानी का बोतल दे देना। ये देखो ये रेल नीर, जैसे आप लोग को पता ही है रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे ज़्यादातर ये रेल नीर के नाम से ब्रांड से यहाँ पे मिलती है। और ये कितने का ये? 30 रुपये का है कुछ, 30 रुपये का केक, 30 का दे दो फिर आपके 50 पूरे हो जाएंगे। केक नहीं हो पाएगा ये फैंटेसी 40 का, तो ये ले लेता हूँ, ठीक है आपका कंप्लीट हो गया, थैंक यू। तो बस ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पानी और ये बिस्किट ले लिया, और ये ट्रेन भी निकल चुकी है भाई, थोड़ा आगे हो जाओ ताकि मैं भी चढ़ सकूं। और ये चढ़ गए हम लोग, और यहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है यहाँ पे ये दिल्ली सराय रोहिला के अंदर। चलिए चलते हैं अंदर, और आप लोग खुद देख सकते हो किस कंडीशन में, किस हालत में है ये बोगी जो है, बहुत ही गंदे हालत में मैं तो ये बोलूँगा, बिल्कुल भी मतलब मैं प्रेफर बिल्कुल भी आप लोग को सजेस्ट नहीं करूँगा कि कभी भी आप लोग ट्रैवल करें तो इस मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन में तो आप बिल्कुल भी कतई ट्रैवल ना करें। मेरा ये मेरा फर्स्ट टाइम था इस एक्सप्रेस के अंदर, बट मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग कभी भी ट्रैवल ना करो इसके अंदर, मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस के अंदर। ये देखो
वो केटरिंग वाले भाई भी मुझे देखने लग गए, मैं जब बोलने लग गया कि आप इस ट्रेन में सफर मत करो। हालत देखो यार, क्या इतना गंदा, इतना कचरा हो रखा है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं जब दिल्ली ट्रैवल किया था आई थिंक ऑलमोस्ट 3 महीने पहले, तो मैं ट्रैवल किया था वंदे भारत में, तो वो वाला व्लॉग देखना जाके यार, मतलब इतना जबरदस्त ट्रेन है वो, इंडिया की फास्टेस्ट सुपर ट्रेन है वो, बहुत ही जबरदस्त ट्रेन है। और यहाँ पे और उसके और इसके बीच में आप खुद देख सकते हैं कितना जबरदस्त डिफरेंस है दोनों के बीच में। और मैं ना वो वीडियो जो है व्लॉग के आखिर में एंड स्क्रीन पे जाके आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो को जब आप कंप्लीट करेंगे एंड स्क्रीन पे एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना और आप लोग वो वीडियो देख पाओगे वंदे भारत का जो मैंने बनाया था। अभी के लिए तो हम लोग यहाँ से देखिए निकल चुके हैं, और मोबाइल स्नैचर से बचो, मैं तो यही बोलूँगा। ये दिल्ली सराय रोहिला, ये दिल्ली सराय रोहिला का यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा है। चलिए फिर अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ से अभी हम लोग डायरेक्ट आप लोगों से डायरेक्ट अब मिलेंगे बरेली के अंदर। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी ट्रेन जो है ऑलमोस्ट लगभग बोल के चल सकते हैं कि 45 मिनट्स का डिले चल रहा है। और ये अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रेन भी थमी हुई है, रुकी हुई है यहाँ पे, और काफ़ी अंधेरा जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एकदम सन्नाटा। और यहाँ का जो दरवाज़ा है वो भी खुला हुआ है, काफ़ी थोड़ा डेंजरस लग रहा है, जैसे इन केस अगर कोई भी खुदा ना खास्ता कोई एंटर आ गया, कोई घुस गया, कोई गैंग घुस गई बंदूक गन लेके और फिर वसूली कर ले किसी लोगों से यहाँ पे, तो भरोसा नहीं है, इंडिया है, कुछ भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। वैसे डोर्स जो है लॉक होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये अनदर एक सेफ्टी लैप्स है। और जैसे मैंने आप लोग को जो लैप्स बताया था कि यहाँ पे ये जो विंडो है ये भी अवेलेबल नहीं है, वो भी मैंने दूसरा एक लैप्स आप लोग को दिखाया था, तो ये अभी तक तो दो लैप्सेस हैं और काफ़ी लैप्सेस दिख रहे हैं मुझे। पूरी बग्गी जो है चलते हुए भी काफ़ी वाइब्रेट कर रही थी, पूरा टाइम वाइब्रेट वाइब्रेट, तो बहुत ही डिसकम्फर्टेबल जर्नी रहा ये। और इंशाल्लाह अभी जस्ट बरेली पहुंचेंगे और वहां पहुंच के इंशाल्लाह इस ब्लॉग को एंड करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां पे हम लोग ऑलमोस्ट बरेली पहुंच गए हैं, और जस्ट पहुँचने से जस्ट पहले यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले यहाँ ट्रेन वापस रुक गई है। और क्या हरकत है ये, कुछ समझ में नहीं आता ये इंडियन रेलवेज़ का, जहाँ मन करे रुक जाते हैं, कहाँ मन करे चल जाते हैं, बहुत ही डिसगस्टिंग है यार ये। और ये कोई एक एरिया है सीबी गंज के नाम से, और ये बरेली से कुछ 2 स्टेशन पहले पड़ता है, 10 मिनट्स का कुछ फासला होगा। और पहुँचना था हमें 1:19, अभी दो बज गए हैं, 2+ हो गए, और अभी तक तो पहुँचने का कुछ नाम ही नहीं ले रहा ये, तो इसलिए देख सकते हैं आप लोग बैग पैक करके मैं पूरा, हम लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। और वेदर वाइज तो देखा जाए तो वेदर अच्छा लग रहा है, ठंडा वेदर है, बट खैर काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गया, 2 बज गए हैं अभी, रात के 2 बज गए। आई थिंक कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है, जैसे आप लोग सुन सकते हो यहाँ पे अभी एक ट्रेन गुजर रही है। खैर अभी निकलते हैं बस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मोहम्मद भाई आ चुके हैं हमारे शहर बरेली में, इनका स्वागत होगा इंशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह पूरा दिन इंशाल्लाह, 2 दिन साथ में गुजरेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे कुछ दिन गुजरेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप, खैरियत? ये माशाल्लाह यहाँ पे हसन मियां और पूरी यहाँ पे फैमिली आई है यहाँ पे लेने के लिए हमें। और हसन मियां जो है माशाल्लाह हमारे पहले जो सीरीज है बरेली जब लास्ट टाइम आए थे तो उसमें भी माशाल्लाह हमारे साथ थे पूरे टाइम, और अभी जो है एक फैमिली फंक्शन के लिए यहाँ पे हम लोग हाजिर हुए पहुँचे, तो इंशाल्लाह वो आगे क्या क्या रहने वाला है इंशाल्लाह बरेली में, और 1-2 दिन है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप लोग तक सब तक पहुँचे, दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। ये बरेली जंक्शन है और अभी हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे, ये बरेली जंक्शन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये बरेली जंक्शन उर्दू में लिखा हुआ है, और ये देखिए हिंदी में लिखा है, और उधर
मेरे हिसाब से इंग्लिश में लिखा होगा। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। प्यारे भाई और बहनों, ये होटल ओबेरॉय आनंद होटल में हम लोग आ चुके हैं और अभी जाते हैं, चेक इन करते हैं और वीडियो जो है इंशाल्लाह मेरे प्यारे भाई और बहनों रूम में जाके इसको मुकम्मल करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग फाइनली होटल पे पहुंच गए हैं और ये वाला जो एरिया है जहाँ पे अभी हम लोग स्टे कर रहे हैं, इसको मैं इंशाल्लाह पूरा एक्सप्लोर में करूँगा आने वाले दिनों में जब तक मैं यहाँ पे हूँ। अभी के लिए तो मैं आप लोग को रूम में लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कैसा रूम है। बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल एक कोज़ी रूम है यहाँ पे हमें मिला है माशाल्लाह, और सारी फैसिलिटीज़ है, इंटरकॉम है, एसी है और सब कुछ है। और अभी के लिए तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो सफ़र था उसके बारे में मैं पहले बात करना चाहूँगा। हम लोगों ने शुरुआत किया था अजमेर से लेके बरेली का सफ़र, जो 13 घंटे 24 मिनटों का टाइम था, हमें पहुंचना था इतने में, और हमारा जो पहुंचने का टाइम था 1:19 था रात के AM, और हम पहुंचे हैं ऑलमोस्ट 2:20 पे, तो पूरा 1 घंटा 10 मिनट का कुछ डिले था। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था, पहले भी मैं जब बरेली आया था लास्ट ईयर तो उस टाइम पे भी ट्रेन जो है ऑलमोस्ट 1 आवर 1.5 आवर का डिले। तो मेरे हिसाब से ये ऑन एन एवरेज यहाँ पे जो ट्रेन्स आती है बरेली की साइड और आगे जो जाती है, कॉमनली आई थिंक ये काफ़ी डिलेड रहती है, ये वाली जितनी भी ट्रेन्स रहती है। इस आज का जो सफ़र है उसके बारे में अगर आप लोगों को मैं बताता चलूँ तो बहुत ही हेक्टिक एक जर्नी था, बिल्कुल कंफर्टेबल राइड जैसे बोलते हैं नहीं था। मैंने सोचा था कि अच्छा एक सफ़र रहेगा, स्मूथ सफ़र रहेगा, बट बिल्कुल स्मूथ नहीं था, बिल्कुल भी मैं सो नहीं पाया था। बच्चे तो सो गए थे बट मैं नहीं सो पाया था, एक मिनट भी नहीं सो पाया। और बहुत ही अनहाइजीनिक ट्रेन, और जितना बोलूँ उतना कम है। इन शॉर्ट, आप लोग कभी भी इस ट्रेन को ना लें, अगर ये पुरानी बग्गियाँ जो है चल रही है तो उसको ना लें। आने वाले दिनों में मुझे बताया गया कि ये जो ट्रेन है बदली जाएगी LHB ट्रेन में, तो अगर वो ट्रेन में कन्वर्ट हो जाती तो आप लोग ज़रूर इस ट्रेन को लें, बट अभी नहीं, शायद 2-3 महीने बाद। तब तक के लिए आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग लें। और ये अभी नवंबर का महीना चल रहा है 2024 का, तो अभी से 2 महीने बाद आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एनीवेज मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम लोग बरेली पहुँच गए हैं। हसन मियाँ और माशाल्लाह उनकी पूरी फैमिली हमें अटेंड करने आई रेलवे स्टेशन पर बरेली जंक्शन पर, और हमें होटल पर भी लेके आए। उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा। अभी के लिए तो अभी इस ब्लॉग को एंड करने का वक्त हो चुका है। आने वाले दिनों में और इंशाल्लाह बरेली में और क्या क्या रहने वाला है और एक्सप्लोर करेंगे, दरगाहों पे भी जाएंगे, ज़्यारत करेंगे, और इंशाल्लाह जो फैमिली फंक्शन है कोशिश करेंगे उसमें भी आप लोग को शामिल करें। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो आप ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट करना ना भूलें, और मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग देखें, एक्सप्लोर करें मेरे साथ साथ। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह।